एमएस गिल एंटरटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम साखी सुनाएंगे जब बादशाह अकबर श्री गुरु अमरदास जी से मिलने गया था। अकबर भारत का एक प्रसिद्ध राजा था। वह एक दयालु और अच्छे राजा थे और सिख गुरुओं की निष्पक्ष और उचित शिक्षाओं के लिए उनका सम्मान करते थे। वर्ष 1569 में अकबर पंजाब आया और गुरु अमरदास जी के दर्शन करना चाहा। इसलिए उसने गुरु अमरदास जी को संदेश भेजा कि वह उनसे मिलने आ रहा है। इस खबर से सिख बहुत खुश हुए। कुछ सिखों ने सोचा कि राजा के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन गुरु अमरदास जी ने कहा, अकबर भी उतना ही इंसान है जितना बाकी लोग हैं। गुरु का स्थान सभी के लिए खुला है, इसलिए गुरु के स्थान पर अन्य सभी आगंतुकों की तरह अकबर का भी स्वागत किया जाएगा और विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजा सैनिकों के साथ गोइंदवाल पहुंचे, जहां गुरु अमरदास जी रहते थे। गुरु जी और कुछ सिखों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें जगह दिखाई। अकबर ने गुरु जी के आदेश के बारे में सुना था कि जो कोई भी उसके यहां मिलने आएगा उसे लंगर में भोजन करना होगा। राजा अकबर को ये जानने में रुचि थी कि गुरु का लंगर कैसे चलाया जाता है। गुरु के लंगर में सभी को सादा भोजन परोसा गया। ये दिन रात खुला रहता था और कोई भी, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, समान रूप से पंक्तियों पंगत में बैठकर लंगर खाता था। यहाँ राजा और उसकी प्रजा, हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब सभी बराबर हैं। गुरु जी से मिलने के बाद अकबर ने कहा, मैं लंगर चलाने के लिए जमीन का अनुदान देना चाहता हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? गुरु जी ने उत्तर दिया, प्रिय अकबर, लंगर के लिए भूमि अनुदान की पेशकश के लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु को पसंद है कि सभी कड़ी मेहनत करके कीर्तिकरणी कमाएं और अपना हिस्सा साझा करें। दूसरों के साथ ईमानदारी की कमाई बन चकना, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ईमानदारी की कमाई से लंगर में कुछ देना। इस प्रकार गुरु का लंगर लोगों संगत का लंगर है और इसे लोगों के मुफ्त उपहारों पर चलाया जाना चाहिए, न कि शाही अनुदान पर। इसीलिए गुरु के लंगर में सभी समान रूप से भाग लेते हैं और किसी को भी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है। गुरु के लंगर में प्रत्येक व्यक्ति उतना ही देता है जितना हम बचा सकते हैं और उतना ही लेता है जितना उसे चाहिए। यहाँ राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं है, सभी एक साथ बैठते हैं और प्यार से परोसा गया सादा खाना खाते हैं। अकबर को गुरु का विचार बहुत पसंद आया। अकबर ने नानक के घर के लिए कुछ करने का मन बना लिया था और गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को जमीन भेंट कर दी थी। बाबा बुद्धा जी भूमि के रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे और इससे होने वाली किसी भी आय का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था। ऐसी ही रोचक जन्म साखियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना कीमती समय निकाल कर साखी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।